नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आपने एक फिल्म तो देखी ही होगी, फिल्म का नाम है बैंडिट क्वीन। फिल्म की जो कहानी है वो डकैत से नेता बनी फूलन देवी पर है। आज हम आपको उन्हीं फूलन देवी की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 22 लोगों की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड ने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। यह हत्याकांड अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला कांड था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बेहमई गांव में घटा। पहले हम घटना के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये जानें कि आखिर इस घटना का रंग खूनी क्यों हो गया और एक आम लड़की कैसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए खतरनाक फैसला ले बैठी और फिर कैसे देश और दुनिया के सामने उसकी कहानी आई। जी हाँ, फूलन देवी, ये वही नाम है जिसने दुनिया में अपने ऊपर हुए जुल्म की इबारत का बदला लेकर पूरा किया, जिसके बाद लोगों ने उसके बारे में जाना। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को गांव गोरहा के पूर्वा में मल्हा के घर हुआ। पुराने ख्यालात के लोग अपनी रूढ़िवादी सोच की वजह से अपने लड़के और लड़की की शादी कम उम्र में कर देते थे। इस तरह की घटना आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही फूलन देवी के पिता ने फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में कर दी, लेकिन फूलन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी के बाद फूलन देवी के पति ने और उनके ससुराल वालों ने उन्हें छोड़ दिया। फिर फूलन देवी अपने मायके चली आई जहां पर अपने परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन फूलन देवी की मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि पहले परिवार गरीबी में जी रहा था, ऊपर से बड़ी जाति के लोगों का जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा था। परिवार के साथ रहते हुए फूलन देवी ने परिवार का पेट भरने के लिए परिवार के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया और इसके लिए परिवार के लोगों के साथ मजदूरी करना शुरू किया। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नजारे देखने को मिलने लगे। कहा जाता है कि एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन देवी को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया तो गुस्से में फूलन ने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया। ऐसे में जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी और फूलन देवी की उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर आई वो मनहूस घड़ी जब फूलन 15 साल की हो गई। उसी समय गांव के कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उसके साथ गैंगरेप किया, लेकिन विरोध के बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। लेकिन दबंग यहीं पर शांत नहीं हुए और दबंगों ने फूलन के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची। दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया और बदकिस्मत जिस फूलन को उसके गांव के लोग जानते थे, अब उसे दुनिया को बताने का वक्त आ गया था और यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी और फिर अपने अपमान का बदला लेने की बारी। ठाकुरों द्वारा गायब किए जाने के बाद फूलन देवी अपने अपमान का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 की शाम को गाँव लौटी। जब फूलन देवी गाँव लौटी उस समय गाँव में एक शादी समारोह चल रहा था। फूलन देवी और उसके गिरोह के लोगों ने पूरे शादी पंडाल को घेर लिया और फिर बारी बारी ये उच्च जाति के युवकों को अलग किया गया। फिर उन्हें फाइनली बंदूक की नोक पर नदी तक ले जाया गया और तटबंध पर उन्हें घुटने टेकने का आदेश दिया गया और फिर फूलन देवी के गिरोह के लोगों ने गोलियों की बौछार कर दी जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही घटना फैली देश में हंगामा मच गया और देश में बेहमई नरसंहार को लेकर आक्रोश पैदा हो गया। जिस वक्त ये नरसंहार हुआ उस वक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह थे और इस घटना से देश में इतना उबाल हुआ कि यूपी के सीएम को नरसंहार की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सरकार ने फूलन देवी को पकड़ने के लिए एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया, लेकिन पुलिस का अभियान सफल ना हो सका और यूपी पुलिस की गिरफ्त में फूलन देवी कभी नहीं आई। कहा जाता है कि इसके बाद फूलन देवी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और मध्यम वर्गीय लोग सहानुभूति रखने लगे, जिस वजह से पुलिस फूलन को पकड़ नहीं पाई और इसी वजह से लोग फूलन देवी को बैंडिट क्वीन कहने लगे और फूलन देवी को लेकर भारतीय मीडिया एक वर्गो द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में महिमा मंडित की जाने लगी जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे इसी भी बड़े शख्स को लेकर किम वदंती या यूं कहें कि कपोल कल्पना की कहानी बनने लगी है और गढ़ी जाने लगी है। ठीक बेहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी के साथ होने लगा। अगर उन कहानियों की बात की जाए तो कहा जाता था कि फूलन देवी का निशाना बड़ा ही अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उनका दिल। फूलन देवी चंबल के बिहड़ों में पुलिस और ठाकुरों से लुका छुपी का खेल कई सालों तक खेलती रही और कहा जाता है कि इससे फूलन देवी शायद थक भी गई थी, इसलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बनाया। लेकिन आत्मसमर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को हमेशा शक था कि यूपी पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सौदेबाजी शुरू कर दी और अंत में मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन
सिंह के सामने पुलन देवी ने एक समारोह में हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि पुलन देवी का नाम लोगों के दिलो दिमाग में इतना रचा बसा था कि जिस दिन पुलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया उस दिन देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में कैसे पुलन देवी का नाम छपा था। आत्मसमर्पण के बाद पुलन देवी को 1994 में जेल से रिहा किया गया। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि पुलन देवी को बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रखा गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा का टिकट दे दिया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की कई राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन मुलायम सिंह यादव अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए और इसी का नतीजा था कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से पुलन देवी पहली बार 1996 में सांसद चुनी गई और संसद पहुंची और लगातार दो बार लोकसभा के लिए चुनी गई। लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में अपने घर के सामने ही पुलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारने वाले आरोपी ने खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताया। हत्यारोपी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या के बाद दावा किया था कि 1981 में मारे गए सवर्णों की हत्या का बदला लिया है। यही नहीं, बाद में जेल से फरार होकर उसने एक वीडियो भी जारी किया। वहीं फूलन देवी की इस मौत को कई लोग एक राजनीतिक साजिश के नजरिए से भी देखते हैं और हत्या का शक उनके पति उमेद सिंह पर भी था, लेकिन ये शक साबित नहीं हो सका। इसके साथ ही साथ 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनाई, जिसे पूरे यूरोप और एशिया में काफी लोकप्रियता मिली। फिल्म अपने कुछ दृश्यों और फूलन देवी की भाषा को लेकर काफी विवादास्पद भी रही। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया है जिसने समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि फूलन देवी कौन थी और उन्होंने क्या किया था। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की उस हर बुराई को समेटे हुए है जो कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का बदला था, पर अरुंधति रॉय कुछ और ही कहती है। अरुंधति रॉय का मानना है कि ये पूरे मर्दवाद संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए है ये कहानी।